5 करोड़ रुपया 110 मदरसे व मस्जिद के लिए 5 करोड़ रुपया मंजूर किया है, उसका जीआर निकल चुका है। हमारे मीडिया के साथियों को इस बात पे इल्म है कि तकरीबन एक महीना पहले मैंने एक प्रेस रिलीज जारी किया था, प्रेस नोट दिया था और अखबार के अंदर वो प्रेस नोट छापी भी गई और शहर के मदरसा मस्जिद के तमाम जिम्मेदारान से मैंने अपील की कि आप लोग अगर सोलार लगाना चाहते हो मदरसे के ऊपर मस्जिद के ऊपर तो मेरे पास लाइट बिल की जेरॉक्स या आपके पास जो मदरसा मस्जिद का जो सबूत होगा वो मेरे पास लाकर जमा कराइए, ना हरकत यानी NOC आप दीजिए। पर अल्लाह का बहुत एहसान करम है कि काफ़ी लोगों ने इसके अंदर एप्लीकेशन ला कर दिया और उसी बीच में हमारे शहर के MLA साहब ने, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने किसी चैनल वाले को YouTube के ऊपर उन्होंने बयान दिया था कि शेख आसिफ धोखा दे रहा है मस्जिद के लोगों को, मदरसे के लोगों को, लेकिन मैं खामोश रहा, हमारे तमाम ही साथी खामोश रहे। अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के अंदर कितनी समझ है, ये शहर की आवाम आज पता चल जाएगा शहर की आवाम को। एक MLA कानून साज अदारे का मेंबर होता है, असेंबली का मेंबर होता है, MLA फंड के लिए MLA नहीं बनता है, जहाँ पर कानून बनता है महाराष्ट्र असेंबली के अंदर वो वहाँ का मेंबर होता है। इस तरीके से मुफ्ती इस्माइल साहब का बोलना ये गैर जिम्मेदाराना बयान था, उनको कानून ना पिछले 5 साल समझा और ना ये साल समझा 5 साल। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा स्कीम हुकूमत महाराष्ट्र ने डिक्लेयर की हुई थी, अल्पसंख्या विभाग ने रंग अल्पसंख्या विभाग ने, और उसमें सोलार सिस्टम नहीं था, लेकिन हमने अजीत दादा पवार साहब से रिक्वेस्ट की कि हमको मदरसा वो मस्जिद पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसी नाम से परमिशन मिलता है और सोलार फिट करना है। इसके लिए अजीत दादा पवार साहब ने हमारी डिमांड को अल्पसंख्या डिपार्टमेंट के अंदर भेजा और डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा स्कीम के अंदर जो जीआर था मुझे याद है कि सामनामा आपने छापा था, वो किसी की कोशिश का नतीजा नहीं था, आपने छाप दिया था, लेकिन वो नतीजा हमारी कोशिशों का था और इसके अंदर सुत्ती पत्रक निकला। इस जीआर के अंदर अमेंडमेंट हुआ और ये अमेंडमेंट हुआ है 21 अगस्त को अमेंडमेंट हुआ और इसके अंदर सुत्ती पत्रक यानी जीआर के अंदर अमेंडमेंट हुआ और इसमें सोलार सिस्टम फिट करने का फैसला अल्पसंख्या विभाग ने लिया, यानी ये जो जीआर ये तारीखी फैसला है, ये पूरे महाराष्ट्र को लागू होगा। इस तरीके का फैसला हुकूमत महाराष्ट्र ने हमारी डिमांड पर अजीत दादा पवार साहब की कोशिशों से सरकार ने लिया। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अल्लाह का पहले शुक्र अदा करता हूँ, बाद में अजीत दादा पवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हुकूमत महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 110 मदरसा व मस्जिद कि जो यादी हमारे पास शहर के आवाम ने दी थी, शहर के जिम्मेदारान मदरसे के मस्जिद के दिए थे, वो यादी मैंने सबमिट किया था अजीत दादा पवार साहब के पास और कल प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, बात समझ लो, नगर विकास ने नहीं,
अल्पसंख्या डिपार्टमेंट का नहीं, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, जिसके अजीत दादा पवार फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हीं के अंडर के अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट आता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट से कल अजीत दादा पवार साहब के डिपार्टमेंट ने, अजीत दादा पवार साहब ने 5 करोड़ रुपया 110 मदरसे व मस्जिद के लिए 5 करोड़ रुपया मंजूर किया है, उसका जीआर निकल चुका है। सोलार के लिए, सोलार सिस्टम फिट करने के लिए हमने इसके अंदर ऐसा किया है कि जो बड़ा मदरसा है वहाँ पर 5 लाख, जो बड़ी मस्जिद है मदरसा है वहाँ 5 लाख, और जो छोटी मस्जिद और मदरसा है वहाँ पर 4 लाख। इस तरीके से 110 मदरसा व मस्जिद पर सोलार फिट होगा, इस तरीके से ये फैसला हुआ। और ये जीआर कल हुकूमत महाराष्ट्र ने, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने मंजूर कर लिया है। मैं अजीत दादा पवार साहब का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का और हुकूमत महाराष्ट्र का शुक्रिया अदा करता हूँ